तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी पीछे से टक्कर, दो घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सीनिवास के पास एक स्कॉर्पियो चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र पुत्र भरोसी बाथम, उम्र 24 साल, योगेश पुत्र जगदीश ओझा, निवासी राजा की मुडेरी, 25 वर्ष, बाइक से घर से शिवपुरी आ रहे थे। यहां पर योगेश ओझा घर निर्माण के लिए रुपए निकालने गए थे। जब ये दोनों बाइक सवार श्रीनिवास के पास भारत पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार जमीन पर गिर गए और चोटिल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम है आपको? योगेश ओझा। कहाँ रहती हो? ग्राम राजा की मुडेरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम राजा की मुडेरी से शिवपुरी आ रहे थे तो सिंगनमार्ग पे रघुवीर पेट्रोल पंप है, उसके सामने संजय बाजीराव है, उसके पास सफारी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसने हमें डायरेक्ट टक्कर दी है। अच्छा, तो पीछे से मारी टक्कर है आगे से? पीछे से मारी है, हम आगे जा रहे थे। उससे कोई पुरानी दुश्मनी है? कोई नहीं है। फिर उसने टक्कर, आप जानते हैं उसको पहले से? नहीं। तो फिर कैसे पता चला आपको संजय? वो उसको जानते हैं वैसे तो, गांव उधर ही गांव का येलोनी का है वो, तो हमारे गांव के पास में। अच्छा अच्छा, जानते हैं सब लोग उसको। अच्छा, तो आप शिवपुरी क्यों आ रहे थे? शिवपुरी पैसे निकालने आ रहा था। पैसे निकाल लिए थे फिर? मतलब तो एक्सीडेंट ही हुआ था, कैसे निकालेंगे पैसे? कौन कौन था आपके साथ? मैं और दरगंज। तो ये आपका दोस्त है? हाँ।